और आपको बचपन में चूंकि इनके वालिद नसरानी होने की वजह से इनको ईसाइयों के मकतब में डाला गया और पढ़ाने वाला उस्ताद उनको कहने लगा कि सालिस सलासा यानी खुदा तीन में से एक है। दगीगा 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 यार दगीगा तालीम तालीम दगीगा दगीगा। तो उस्ताद ने कहा कि सालिस सलासा खुदा तीन में से एक है। तो आप सुनते ही फौरन उस ईसाई उस्ताद को आपने फरमाया कि हु अल्लाहु अहद अल्लाह एक है। फिर आपको जदोकोम किया गया उस्ताद के जरिए से मारा पीटा गया और आखिरकार वहां से घर छोड़ के आप निकल गए। और एक जमाने के बाद में उनके वालिदैन को ख्याल आया कि मालूम जहां भी रहते हैं रहने दो काश हमारे पास आके रहते। एक दिन आप अपने वालिदैन को मिलने के लिए आए तो उनसे मुतासिर होकर उनके वालिदैन ने इस्लाम को कबूल कर लिया और ऐसा अजीम मकाम आपको हुआ। देखिए सिलसिले के अंदर इनका नाम कितने बड़े ताजीम और तकरीब से लिया जाता है और बुजुर्गों ने आजमाया कि आपका मजार शरीफ आपके यहाँ आपके वसीले से दुआ करना तमाम बीमारियों से शिफा हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब इस बारगाह में हाजिर हुए हैं तो आज हर इंसान को कोई ना कोई मर्ज लाहिक होता है। मोहलक को नमराज से मौजूदा जो भी तकालीफ अमराज हो साहिब मजार के वसीले से जरूर दुआ कीजिए। इंशाल्लाह ताला इनके वसीले से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा।